नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसको मैंने 16 फंदे में बनाया है। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। आपको मेरे आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। ये मैंने दो कलर का डोरमेट बनाया है, पत्ती आकार में, बड़ी सी पत्ती, और ये बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार हुआ है। और इसमें मैंने 16 फंदे का बनाया है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने 8 फंदे ये गुलाबी रंग से डाले हैं, 8 फंदे पीले रंग से डाले हैं। और ये देखिए, हम पहला फंदा उतार लेंगे, इस धागे को उतारेंगे और ऐसे घुमा के राउंड में ले लेंगे। और ये पूरी लाइन हम इसी तरह से, ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, हमने फंदे ये हमारे हैं, 8 फंदे हैं ये पीले के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने 6 फंदे बिन लिए। अब ये 2 फंदे हमारे पीले के बचे हैं, इनको हम इस तरह से करेंगे। और ये देखिए, ये हम गुलाबी रंग से 2 फंदे बिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए 8, 8 फंदे हमने ये गुलाबी रंग के बिन लिए और 2 फंदे हमने छोड़ दिए और धागा यहाँ से घुमा के ले लिया। अब सीधी सिलाई, ये देखिए, पूरी हम वैसे ही बनाएंगे, उल्टी उल्टी जैसी है वैसे हमारी। ये देखिए, ये हम गुलाबी वाले फंदे गुलाबी रंग से बिनेंगे, ये देखिए, इस तरह से पूरा हम इस तरह से बना लिए। ये देखिए, अब इस धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पे हम टाइट कर देंगे जहां से हमारा लूज हो। ये देखिए, इसको पीछे करेंगे और इसको खींच के टाइट करके आगे लाएंगे इस तरह से। और ये हम पूरी लाइन ऐसे उल्टी उल्टी ये बनाएंगे और दोनों धागों को खींच के बनाएंगे, हमारा जोड़ है, नहीं तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी और डिजाइन अच्छी नहीं लगेगी। और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बना लेंगे, ये देखिए, इस तरह से ये हमने बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, सीधी साइड हमने बना ली, फिर से ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे। और ये पूरी लाइन हम फिर से, उस बार हमने 2 फंदे, अभी हम 2 फंदे फिर से करेंगे। ये देखिए, अब हमारे 4 फंदे हो गए, इस धागे को ऐसे करेंगे और फिर से हम 2 फंदे पीले वाले गुलाबी रंग से बीन लेंगे इसी तरह से। ये देखिए, हर सिलाई में हम 2-2 फंदे लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमारे 8 फंदे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 फंदे ही, ये 8 ही फंदे रहेंगे। और 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए, यहाँ पे हम 2-2 फंदे छोड़ते हैं, ये हमारी दूसरी सिलाई है इसलिए हमारे 4 फंदे छूट गए। और सीधी साइड ये देखिए, इस तरह से मैं एक बार बता रही हूँ आपको, ये सीधी साइड पूरी हमारी सीधी बिननी है जैसे जो कलर में है, क्योंकि सीधे साइड कोई डिजाइन नहीं पड़ती है। ये देखिए, हमने पूरा इस तरह से बीन दिया, फिर से इसको पीछे और ये पीले वाले को खींच के आगे लाएंगे इस तरह से। और ये पूरा हम, ये देखिए, इस तरह से हम उल्टा उल्टा ये देखिए बीन लेंगे, ये हमारी, ये देखिए, अब हमने ये देखिए बना लिया 4 फंदे पीले के। फिर से एक फंदा उतारेंगे, ये देखिए, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये 2 फंदे हम, एक बीन लिया, एक उतार लिया। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और फिर से हम ये पीले रंग को 2 फंदे हम फिर गुलाबी कर देंगे और ये 8 ही रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए 8 हो गए, धागा यहाँ से घुमा के लिया और 2 फंदे हमारे छूट गए। अब ये देखिए, 1, 2, 3, ये 3 लाइन फूट गए और ये जो जैसा कलर है उसी साइड में हम सीधा पूरा ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, हमने सीधी सिलाई बिन ली, ये गुलाबी गुलाबी से और पीले वाले फंदे पीले से। अभी हमारे 2 फंदे बचे हैं, इस धागे को ऐसे घुमा के ऐसे करेंगे, ये देखिए, इस तरह से, और इसको पीछे रखेंगे और इसको आगे करके, और ये 2 फंदे हम पीले वाले लाल से बिन लेंगे, ये देखिए, गुलाबी से बिन लेंगे, 1, 2, ये 2 बिन लिए और ये पूरी लाइन 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए 8, 8 फंदे थे हमारे, ये फिर से बिन लिए और 2 फंदे हमारे फिर से छूट गए।
ये देखिए इसी तरह से हमने एक दो तीन चार है आठ फंदे हमने छोड़ दिए दो दो के, चार सलाइयां भी नहीं है। और ये देखिए हमारी ये हाफ कली बनके भी तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये धागा इधर, ये देखिए हमारी सीधी लाइन। अब हमने सेम उसी तरह से, अभी हमारी डिजाइन ये आगे की तरफ बढ़ रही थी, अब हम सेम उसी तरह से करेंगे। ये धागा ऐसे घुमा के ऐसे छोड़ेंगे, ये देखिए इसको पीछे रखिए येलो वाले को आगे करके, और दो फंदे हम फिर से एक दो दो फंदे हम पीले रंग से बिन देंगे। अभी हमने पीले वाले पूरे खत्म किए हैं, अब हर सलाई में हम पीले फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने दो फंदे बढ़ाए, इस धागे को ऐसे कर देंगे, ऐसे देखिए इस तरह से पूरा हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये हमारे आठ फंदे थे, आठ ही रहेंगे हर बार, एक दो तीन चार पांच छ, ये हमने छह किए, और दो फंदे हम जो छोड़े हुए से ले लेंगे, सात आठ, आठ फंदे हमारे हो गए, दो फंदे हमने बिना बुने, और ये दो आठ हो गए। और ये धागा ऐसे घुमाएंगे, ये देखिए नौवां फंदा हम उतारे हैं, उसके बीच से धागा निकाल लेंगे और ऐसे घुमा के ले लेंगे। फिर से हम सीधी साइड में आ गए और इसको बिनेंगे नहीं, इसको इसी में उतार पिरो देंगे और इसको टाइट करके अगला फंदा हम बिन लेंगे जो हमारे आठ फंदे थे, एक दो तीन चार पांच छ सात, और ये देखिए आठ फंदे थे, ये आठ हो गए। इस धागे को पीछे और फिर से इसको खींच के आगे लाएंगे, और ये दो फंदे हमने पीले से बिने तो इनको पीले से बिनेंगे, एक दो, ये देखिए दो फंदे, फिर से धागा, अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, फिर से इस धागे को उतार के ऐसे करेंगे और ये पीला एक बिना, अब दो फंदे और बढ़ाएंगे, हर सलाई में हमें दो दो फंदे बढ़ते हुए जाना है, तो तीन चार, ये हमारे चार फंदे हो गए फिर से, और इसको टाइट किया। अब ये हम बाकी हम ये फिर फंदे, बाकी ये आठ फंदे बिनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये हमने आठ फंदे, और ये नौ फंदा उतारा और धागा इसके बीच से घुमा के ले लिया। ये देखिए फिर से इसको ऐसे उतार लेंगे, इसको बिनेंगे नहीं, और इसको टाइट करके अगला फंदा बिन लेंगे। ये हमारे आठ फंदे हैं, इसका आप ध्यान रखिए कि हमें जितने फंदे यहाँ रखना है उतने रखेंगे तो आपकी डिजाइन कहीं से खराब नहीं होगी और उसका सही से वो बना रहता है। हर सलाई में हम दो दो फंदे लेते हुए पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो हम आठ फंदे कर उसका रखते हैं तो हमारी डिजाइन में भी उसी तरह से पूरा बन रही है। और ये देखिए इस तरह धागा किया, ये लाइन हमने पूरी बीन ली। अभी हमारे चार फंदे हो गए, फिर से धागा ऐसे घुमाया, फिर से हमने ये सलाई फंदा उतारा और ऐसे किया, और ये हमारे एक दो तीन चार फंदे हो गए। दो फंदे हम फिर से लेंगे, पांच छह, ये छह फंदे हो गए, और ये देखिए इसको टाइट करके फिर से हम बिन लेंगे, और ये फंदे हम उतने ही बिनेंगे इस, और दो इसी तरह से हम दो दो फंदे लेते हुए पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए हमारे एक दो तीन चार पांच पांच छ सात, और ये देखिए आठ हो गए, और ये भी हमारे दो फंदे बचे हैं, इनको धागा से घुमा के फिर से हम सीधी साइड में आ गए, और ये फंदा फिर से उतारा, इसमें पिरो दिया, और ये अगला फंदा टाइट करके बिन लिया। ऐसे हमारी ये डिजाइन में कहीं जाली नहीं पड़ती है और हमें कोई फंदा उठाना भी नहीं पड़ता है, और पूरी लाइन हम ऐसे बना लेंगे जो जिस कलर में है उसी कलर की। ये देखिए हमने सीधी लाइन पूरी बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, अभी हमारे पीले के हो गए हैं छह फंदे, ये हमारे एक दो तीन चार पांच छह, ये छह फंदे हो गए, और दो फंदे हम इससे ले लेंगे फिर सात और आठ। ये देखिए हमारे आठ फंदे थे तो अब ये हमारे आठ फंदे हो गए, अब ये भी आठ फंदे, एक दो तीन चार पांच छ सात, और ये देखिए आठ फंदे ये भी हो गए। अब हमारे आधे आधे फंदे हो गए जैसे हमने शुरू में डाले थे, आठ फंदे गुलाबी रंग से, आठ फंदे पीले रंग से। अब ये देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे और इसको खींच के टाइट करके अगला फंदा बिन लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और पूरी लाइन हम
ऐसे बिनेंगे लाल, ये जो जिस कलर का है वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए हमने बना लिए, अभी हमारे आधे आधे फंदे हो गए और ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई है। अभी हमें इस तरह से बनाएंगे क्योंकि नहीं तो फिर हमारे डोरमेट में ये झोल रहेगा, इसलिए अब हम ये पूरे फंदे हमने बीन लिए। अब हम ये पीले फंदे ही खाली बीनेंगे, तो हमने पूरे फंदे पीले बीन लिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए पूरे फंदे ने एक फंदा हमने छोड़ दिया और ये धागा यहीं से घुमा के आगे की तरफ बढ़ गए। और ये देखिए पूरा, अब हमें इन फंदों को नहीं बीनना है, अब हम हर सलाई में एक एक फंदा छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह से बीन लिया, फिर से इसे धागा घुमाया और फिर से ये उल्टा, ये देखिए उस बार हमने एक फंदा छोड़ा था, इस बार भी एक फंदा छोड़ देंगे। ये देखिए हमने दो फंदे छोड़ दिए, ये देखिए हर, और ये सीधी सलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे जैसी है हमारी वैसे, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए इस तरह से फिर से हम उल्टी साइड में, ये देखिए इसी तरह से हम हर सलाई में एक एक फंदा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये देखिए फिर से हमने एक फंदा, फिर से इधर आ गए, अब सीधी सलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे। हाँ अब ये देखिए हमने हर सलाई में एक एक फंदा छोड़ दिया है, इस तरह से हमने, ये देखिए ऐसे करने से हमारे ये बीच में डोरमेट में झोल नहीं पड़ता, नहीं तो डिजाइन पे झोल पड़ेगा और डोरमेट ऐठा ऐठा रहेगा जो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। ये देखिए अब हमारे दो फंदे, इनको भी हम इस तरह से बीन लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी, सेम इसी तरह से अब ये फंदे हम पूरे बीनेंगे, एक दो, अभी हमने दो दो पूरे फंदे एक एक करके पूरे छोड़ दिए, अब इनको हम पूरा बीन लेंगे, तीन चार पांच छह, ये हमने छह फंदे बीन लिए और इस धागे को ऐसे करेंगे और दो फंदे हम फिर से ये पीले वाले पिंक कलर से बीन लेंगे और पिंक वाले हमारे आठ फंदे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ बिन लिए और दो फंदे हमने छोड़ दिए। ये देखिए इसी तरह से अब हम सेम कली फिर से रिपीट करेंगे, जैसे हमने ये कली बनाई सेम इसी तरह से हम आगे बनाएंगे। इसी तरह से मैं पूरा आपको बना के दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए हमने ये बना लिया है इस तरह से, ये देखिए अभी ये पूरा बन जाएगा तो बड़ी सी पत्ती आकार का ये डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए जिस तरह से मैंने बताया सेम इसी तरह से रिपीट करके ये मैंने बनाया है। नमस्कार।